हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है जम्मू मेल ट्रेन के बारे में। ये जो ट्रेन है पुरानी दिल्ली स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है जम्मू मेल ट्रेन के बारे में। ये जो ट्रेन है पुरानी दिल्ली स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती है। और अगर हम बात करें इस ट्रेन के नंबर के बारे में तो ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन का नंबर है 14033। ये रोजाना ट्रेन है, डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है पुरानी दिल्ली स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक। अगर हम बात करें इसके ट्रैवल टाइम के बारे में तो ये 14 घंटे 55 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 33 स्टेशन हैं, 655 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है लगभग 45 किलोमीटर पर आवर। इसमें ICF के कोचेज दिए गए हैं। अगर हम बात करें जम्मू मेल ट्रेन के टिकट किराए के बारे में तो इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। अभी मैं जो आपको टिकट किराया बताऊंगा जम्मू मेल का, ये ऑल डेली जंक्शन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। इसमें फर्स्ट AC का जो किराया है वो है 2335 रुपये, थर्ड AC का जो किराया है वो है 1385 रुपये और सेकेंड AC का जो किराया है वो है 1385 रुपये और थर्ड AC का जो किराया है वो है 965 रुपये। इसके अलावा इसमें स्लीपर क्लास के भी कोच हैं जिसका किराया जो है 355 रुपये है और इसके अलावा इसमें जम्मू मेल में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है लगभग 185 रुपये के करीब है। ये किराया आप किसी भी रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट पर जाके कन्फर्म कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जम्मू मेल ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं कि ऑल डेली जंक्शन से कटरा तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेन है जम्मू मेल पुरानी दिल्ली स्टेशन से रोजाना रात के 8:10 पर रवाना होती है और इसके तकरीबन 33 स्टेशन हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक। दूसरा जो स्टेशन आता है वो है दिल्ली का ही सब्जी मंडी स्टेशन। यहाँ पर ये रात के 8:21 पर पहुँचती है और 8:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दिल्ली के ही नरेला स्टेशन में पहुँचती है रात के 8:42 पर और 8:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा में एंटर करती है। हरियाणा का जो पहला स्टेशन है इस ट्रेन का वो है सोनीपत। सोनीपत ट्रेन स्टेशन पे ये 8:57 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गन्नौर स्टेशन में पहुँचती है। गन्नौर स्टेशन में ये रात के 9:12 पे पहुँचती है और 9:14 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है समालखा स्टेशन में पहुँचती है। समालखा स्टेशन में ट्रेन जो है 9:25 पर पहुँचती है और 9:27 पर रात को वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पानीपत जंक्शन में पहुँचती है। पानीपत जंक्शन में ये इसका पहुँचने का समय है रात के 10:14 पर और 10:16 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है करनाल स्टेशन में पहुँचती है। करनाल स्टेशन में ये ट्रेन जो है रात के 10:40 के करीब पहुँचती है और 10:41 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कुरुक्षेत्र जंक्शन में पहुँचती है। कुरुक्षेत्र जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 11:07 पर पहुँचती है और 11:09 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अंबाला कैंट जंक्शन में पहुँचती है। अंबाला कैंट छावनी में ये ट्रेन जो है अंबाला छावनी में ये रात के 12:15 पर पहुँचती है और 12:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है राजपुरा जंक्शन में पहुँचती है। राजपुरा जंक्शन में ये रात के 12:45 पर पहुँचती है और 12:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन में पहुँचती है रात के 2:02 पर और 2:11 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर तकरीबन 9 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये फगवाड़ा जंक्शन में पहुँचती है रात के 2:40 के करीब और 2:41 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलंधर कैंट जंक्शन में पहुँचती है। जलंधर छावनी में ये ट्रेन जो है रात के 3:05 पर पहुँचती है और 3:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है टांडा उड़मुड़ में पहुँचती है। टांडा उड़मुड़ में ये ट्रेन जो है रात के 3:47 पर पहुँचती है और 2 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और दिल्ली से टांडा उड़मुड़ की जो दूरी है 406 किलोमीटर की ये ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दसुआ स्टेशन में पहुँचती है। दसुआ स्टेशन में ये सुबह 4:03 पर पहुँचती है और 4:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुकेरियां स्टेशन में पहुंचती है। मुकेरियां स्टेशन में इसका पहुंचने का समय है
रात के सुबह के 4:21 पे और 4:23 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पठानकोट कैंट में पहुँचती है। पठानकोट कैंट में ये 5:08 पे सुबह पहुँचती है और 5:12 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सुजानपुर में पहुँचती है सुबह 5:25 पे और 5:27 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका भी यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जम्मू मेल ट्रेन जो है पंजाब के आखिरी स्टेशन माधोपुर पंजाब में पहुँचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है सुबह 5:34 पे पहुँचती है और 5:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर स्टेट में एंटर करती है। जम्मू कश्मीर स्टेट का जो पहला स्टेशन है वो है कठुआ। कठुआ में ये 5:46 पे सुबह पहुँचती है और 5:48 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है चन्न औरैया स्टेशन में पहुँचती है सुबह 6:07 पे और 6:09 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है चकदियाला स्टेशन में पहुंचती है। चकदियाला स्टेशन में ये ट्रेन जो है 6:15 पे पहुंचती है, 6:16 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हीरा नगर स्टेशन में पहुंचती है 6:20 पे और 6:22 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गगवाल स्टेशन में पहुंचती है सुबह 6:48 पे और 6:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। और पुरानी दिल्ली स्टेशन से गगवाल की जो दूरी है ये 533 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सांबा स्टेशन में पहुंचती है। सांबा स्टेशन में ये ट्रेन जो है सुबह 7:03 पे पहुंचती है और 7:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है विजयपुर जम्मू में पहुंचती है। विजयपुर जम्मू ये ट्रेन 7:18 पे पहुंचती है और 7:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बड़ी ब्राह्मण स्टेशन में पहुंचती है। बड़ी ब्राह्मण स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 7:40 के करीब पहुंचती है और 7:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जम्मू तवी स्टेशन में पहुंचती है। यहां पर ये ट्रेन जो है सुबह 8:45 पे पहुंचती है और 10 मिनट बाद 8:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मनवाल स्टेशन में पहुंचती है सुबह 9:44 पे और 9:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जम्मू मेल ट्रेन जो है वो अपने अगले स्टेशन उधमपुर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:08 पे और 10:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। और 628 किलोमीटर की यात्रा जो है ये पुरानी दिल्ली स्टेशन से कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन चक्रावाला स्टेशन में पहुंचती है 10:29 पे और 10:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जम्मू मेल ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर का जो आखिरी स्टेशन है ट्रेन का जम्मू मेल का वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। यहाँ पर ये ट्रेन जो है सुबह 11:05 पे पहुँचती है और 653 किलोमीटर की दूरी जो है ये पुरानी दिल्ली स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ जम्मू मेल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।